नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के कोड़ीगांव पंचायत में। यहां उप स्वास्थ्य केंद्र की हालात बद से भी बदतर हो गई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और उनका हाल भी जानेंगे कि क्या इस समय इस विकट परिस्थिति में उन्हें इलाज के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी है। हम कोड़ीगांव पंचायत में मोतीपुर प्रखंड के सिसोगा के निवासी है। इस बात को पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है और ना यहाँ कोई डॉक्टर है ना दवा का कोई साधन है। अभी तो चिमकी बुखार और फीवर सीजनली फीवर चल रहा है। इस विषय में हम यही चाहते हैं कि बड़े पदाधिकारी का काम हो कि यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा मुहैया कराया जाए। हमारे पंचायत के कुआही गाँव में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और वो जर्जर हो चुका है बिल्डिंग। वहाँ पर भैंसी बांधा जाता है और कोई मतलब व्यवस्था ही सही नहीं है। बिल्डिंग टूट के पूरा ढह गया हुआ है। इलाज उलाज के लिए रात बिरात में कैसे आप लोग करते हैं? अब रात बिरात में हम लोग अब घर से जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी मरम्मत कराए, नहीं तो उसको स्वास्थ्य डॉक्टर वहाँ पे और जो एनएम जो रहती है एनएम भी सही टाइम से ड्यूटी नहीं आती वहाँ पे, वो लोग तो कुछ समझता ही नहीं उसमें। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की हालात काफ़ी जर्जर हो गई है। यहाँ एएनएम भी जो पोस्टेड हैं उन वे सही समय पर अस्पताल भी नहीं आते हैं। अस्पताल मवेशी बांधने का काम आता है। इस परिस्थिति में लोग यहाँ कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे सोचने वाली बात है। आइए हम तीसरे ग्रामीण से बातचीत करते हैं कि अस्पताल को लेकर इनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं और सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे हैं। तो हमें पता ही नहीं था मेरे पंचायत में क्या स्वास्थ्य केंद्र है पहले से, लेकिन अब कशिश न्यूज के द्वारा एक वीडियो देखे हैं मैं अपने टीवी पे तो पता चला है, लेकिन उसका बद से बद हालत हो चुका है हमारे स्वास्थ्य केंद्र का कोड़ीगांव पंचायत का। उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर है ना कुछ भी है। हमने वहाँ पर जाकर भी देखा लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हालत खराब है। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग यही करते हैं कि बड़े पदाधिकारी उनका संज्ञान में ले और उसका थोड़ा जल्दी कराए काम, आगे के से हम लोगों को परेशानी झेलना ना पड़े। दूसरा क्या है, यही है सरकार से हम लोगों का मांग। तो लगातार उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत और यहाँ डॉक्टर बहाल करने की मांग उठ रही है। आइए हम महिला ग्रामीण से जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को क्या कुछ परेशानी होती है अस्पताल न होने के कारण। परेशानी ये है जो बेटी पोतो बीमार पड़ता है तो यह हॉस्पिटल माने नहीं है, कोई कुआही में अथी है हॉस्पिटल तो ढह गया है, तो नांगदा नहीं बैठता है, कुछ दूर जाना पड़ता है। वहाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो लगातार उप स्वास्थ्य केंद्र को सही ढंग से संचालित करने की मांग उठ रही है। और आइए हम एक यहाँ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और रात बिरात में वे कैसे अपने परिवार के साथ अस्पताल पहुंचते हैं और कैसे उनका इलाज हो पाता है। बताइए, अस्पताल नहीं होने के कारण क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? सर, समस्या तो बहुत बड़ी है। हम लोग बहुत गरीब घर से हैं और हमारे आसपास भी बहुत गरीब लोग हैं। ये इलाज के लिए लोगों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। शायद कुछ ऐसा होता है कि इलाज के दौरान लोग मर भी जाते हैं, जो एकदम गरीब से गरीब लोग हैं तो इलाज के दौरान मर भी जाते हैं, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं पैसा के बदौलत। ऐसा होता है कि कभी कभी घर में एक रुपया भी नहीं होता है। तो हम लोगों का कहना यही है, सरकार से दरख्वास्त यही है कि हॉस्पिटल जो कुआई में बना हुआ है उसमें माल भैंस बांधा जाता है। हम लोग कई बार वहाँ गए इलाज के लिए लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर का पता है ना किसी कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिलते हैं। सिर्फ माल जाल का मतलब दिखावा हम लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ माल जाल बना हुआ है। तो हॉस्पिटल बनाया गया इलाज के लिए, पब्लिक के लिए बनाया गया ना माल जाल बांधने के लिए बनाया गया है। हम लोग इस अवस्था में है कि यहाँ तक मुजफ्फरपुर जाने के लिए हम लोग के पास भाड़ा भी नहीं होता है कि हम लोग जाके अपना स्वस्थ इलाज कराएं या अपने परिवार का इलाज कराएं। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सरकार से यही अपील है हमारी कि वो हॉस्पिटल पर ध्यान दे और हॉस्पिटल को आगे मतलब कार्यक्रम आगे बढ़े, डॉक्टर रहें उसमें ताकि हम लोग का सही से इलाज हो पाए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की हालात काफ़ी जर्जर हो गई है। यहाँ एएनएम भी जो पोस्टेड हैं उन वे सही समय पर अस्पताल भी नहीं आते हैं। अस्पताल मवेशी बांधने का काम आता है। इस परिस्थिति में लोग यहाँ कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे सोचने वाली बात है। आइए हम तीसरे ग्रामीण से बातचीत करते हैं कि अस्पताल को लेकर इनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं और सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे हैं। बताइए, क्या कुछ समस्याएँ हैं आपकी? वहीं स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर तो कोई इलाज ही नहीं चलता है।
कोई डॉक्टर ही सही ढंग से नहीं आते हैं वहाँ, मवेशी बांधने के काम में आता है वो जो अस्पताल बनी है और वो ढह गया है, उसका मतलब कि कोई मरम्मत भी नहीं हो रहा है सही समय पर। मतलब कि हम लोगों को अगर बीमारी अगर घर में अगर किसी का हो जाता है तो बहुत दूर ले जाना पड़ता है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है वहाँ। क्या कुछ मांग करते हैं आप? वहाँ मांग करते हैं कि वहाँ समय पर डॉक्टर आना चाहिए, समय पर इलाज होना चाहिए, सभी आदमी का मतलब कि दूर दराज जाने का नौबत नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। तो लगातार अस्पतालों की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, वहाँ की हकीकत क्या है इस चीज़ को अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक और अधिकारियों तक हम पहुँचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी होंगे इस खबर को संज्ञान में लेंगे तथा लोगों के जीवन बचाने के उद्देश्य से इस अस्पताल का मरम्मत कराएंगे। आइए हम एक बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे और अस्पताल न होने के कारण क्या कुछ समस्याएं होती है, क्या कुछ परेशानी होती है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अस्पताल काफ़ी जर्जर अवस्था में जूझ रहा है और अस्पताल सिर्फ नाम का ही और कोई काम का अस्पताल नहीं है। ऐसे परिस्थिति में क्या कुछ परेशानी होती है बताइए। हम लोग का कहना है यार ये बुढ़ापा अवस्था हो गया है, कहीं जाने पीने का मौका नहीं मिल रहा है, गाड़ी सवारी मिलता है तो पैसा नहीं हम लोग कर जाएंगे, इसीलिए हॉस्पिटल दो बार गए वहीं, वहाँ सही मिला नहीं, हम लोग मरने पर से बच गए, किसी के सहारा पर अभी लाठी से चल रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग करते हैं हॉस्पिटल को चांस कीजिए, उसमें कुछ मरीज नहीं मिलता है, वहाँ गिरने पर वहाँ कोई नहीं डॉक्टर मिला, नहीं कोई नर्स मिला, नहीं कोई उसमें रहने का साधन मिला, कहाँ रहेंगे हम लोग जाएंगे। तो लगातार हम आपको उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोरेगांव पंचायत के समाजसेवी युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले शैलेहर पुष्प निर्विकार। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या जो है जिससे लोग परेशान है, इस समस्या का हल कब तक हो जाएगा और क्या कुछ कदम स्थानीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा अब तक किया गया है। कोरेगांव पंचायत में कुआई स्थित जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका हालत बहुत ही खराब है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है। स्थानीय मुखिया सुमन देवी के द्वारा यह कहा गया है कि हमने चिट्ठी के माध्यम से वीडियो साहब से सदर अस्पताल में ये सूचना दे दिए हैं, उस पर जल्द से जल्द कराने का काम किया जाएगा और डॉक्टर भी बैठेंगे और नर्स भी बैठेंगे, उसका बराबर ध्यान दिया जाएगा। और सुमन देवी के द्वारा यह कहा गया कि हमने बड़े पदाधिकारी को सूचना कर दिया है, उनके द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इस पे काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और मैं कशिश न्यूज़ के माध्यम से ये खबर बड़े पदाधिकारी लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य केंद्र अच्छा से बन जाए ताकि लोगों को इसका। इस वक्त हम स्कैम से मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, यहाँ वायरल फीवर से ग्रसित बच्चों का इलाज हो रहा है और SKMCH में कुछ बच्चे के परिजन हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सही ढंग से इलाज हो पा रही है यहाँ, क्या कुछ आपके बच्चे को क्या हुआ है, इलाज हो पा रहा है सही से बताइए। पहले चमकी हो जाती, उसके बाद चमकी वाले दवाई से बुखार बुखार उतर नहीं रहा और फैला मर रहा, आराम नहीं है बच्चा। डॉक्टर देखे हैं सही से? हाँ देखते हैं, जाते हैं कौन का डॉक्टर बोल देते हैं। कहाँ से आए? हम लोग बड़े कुछ ना जाए। अभी क्या स्थिति है बच्चे का? आज गया, 8 दिन हो गया बच्चा कंट्रोल नहीं है। क्या हुआ बच्चा को? क्या हुआ? अभी बच्चा के क्या स्थिति है? कहाँ से आया हुआ? तभी एक बच्चे के परिजन से हम जाने हैं और बता दें कि मुजफ्फरपुर में लगातार वायरल फीवर का प्रकोप तेजी गति से बढ़ रहा है, खासतौर पर मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जो भी जिले हैं यहाँ वायरल फीवर से ग्रसित बच्चे लगातार बीमार होते नजर आ रहे हैं, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर का कहना है कि अधिकांश बच्चे स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं लेकिन मुजफ्फरपुर में बीमार बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या हो रहा है बच्चे को? कहाँ से आए? इलाज हो रहा है सही से? पानी चाहता।
तो लगातार कशिश न्यूज वायरल फीवर की खबर अपने डिस्प्ले पे दिखा रही है। इस वक्त SKMCH में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर से भी हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। SKMCH में हालात ऐसी है कि हर बच्चे की माँ की आंखों में आंसू देखने को मिल रही है और लगातार हर तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। SKMCH में दूर दराज से बच्चे आए हैं जो वायरल फीवर से ग्रसित है, लगातार उनका इलाज चल रहा है। कई बच्चे की हालात नाजुक भी बनी हुई है और कई बच्चों के हालात में काफ़ी सुधार भी होने की बात डॉक्टर के द्वारा बताई जा रही है। कुछ बच्चे के परिजनों का कहना है कि इलाज को लेकर के अंदर में कुछ चिकित्सक लापरवाही भी बरत रहे हैं, लेकिन अधिकारी महकमे का कहना है कि लगातार पल पल वे इलाज को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना बहुत लाजमी होता है कि इस बीमारी पर कब तक रोकथाम लगाया जाता है। कशिश के लिए विकास कुमार, मुजफ्फरपुर। सर, वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है, कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे बीमारी फैल रही है बताएं। देखिए, जो अभी ये जो बुखार है ये मौसमी बुखार है, सीजनल बुखार उसको बोलते हैं, और ये वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हैं। लक्षण है इसका सर्दी खांसी बुखार, ज़्यादातर बच्चे जो है उससे पीड़ित हैं सर्दी खांसी बुखार से। कुछ बच्चों को पसली भी चल रही है, पसली वाले बच्चों को निश्चित रूप से चिकित्सक के पास ले जाना जरूरी है क्योंकि उनको नेबुलाइज करने की ज़रूरत है। जो बच्चे को सर्दी खांसी बुखार अगर है, वो घर में बच्चा दिखने में अच्छा लग रहा है, खा पी रहा है, चंचल है, तो सिर्फ पैरासीटामोल पानी पिलाइए, उसको घरेलू उपचार कीजिए, जैसे अदरक है, शहद है, तुलसी का काढ़ा है, सब दीजिए, दूध में हल्दी मिला कर दीजिए। नाना तभी है बच्चों को जब आपका बच्चा जो है काफ़ी सुस्त हो गया, आपके बच्चों में काफ़ी तेज़ बुखार है, आपके बच्चों को पसली चल रहा है, आपका बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, आपके बच्चे का पेट फूल गया है या आपके बच्चे को लगातार दस्ती हो रहा है, ऐसी अवस्था में चिकित्सक के पास अविलंब ले जाना है। लेकिन 5-7% से ज़्यादा ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको कि चिकित्सक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरल फीवर जो है वो यूजली वायरल फीवर वो अपने आप ठीक हो जाता है अगर हम लोग उसको खान पान देते रहें, उसको पैरासीटामोल सिरप देते रहें, दें वो भी चिकित्सक की सलाह से लें किस डोज में, किस उम्र में, कितना वेट है उसी बेसिस पर, एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करें। जहाँ तक बचाव का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक सवाल है कि कैसे बच्चों को बचाना है। तो देखिए, चूँकि ये संक्रामक रोग है और ये बिल्कुल कोविड नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा है, और इन्फ्लुएंजा है रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है और राइनो वायरस है, जो कि इस मौसम में हर मौसम बार सितंबर के महीने में बच्चे इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित और पीड़ित होते हैं। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस बार कुछ ज़्यादा केसेस मतलब कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, ताकि और वो भी देखना कि अस्पताल जो है या प्राइवेट नर्सिंग होम्स है या क्लिनिक्स है, OPDs है, सब बच्चों से मतलब खसाखच भरे पड़े हैं। एक अभिभावक में एक पैनिक हो रखा है कि हम कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो कुछ बातें जो हम बताना चाहेंगे वह है कि बिना वजह बच्चों को, क्योंकि ये चूँकि ये संक्रामक रोग है, वो कहने का मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जिसको भी है, जिसको बुखार है, वो मतलब कि वायुमंडल में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो उसका वायरस का जो कीटाणु होता है वो छोड़ता है। तो जरूरी है कि बच्चों को बिना वजह बाहर ले नहीं जाए, बाहर जाए भी तो मास्क पहने, 2 साल से बच्चे के ऊपर के बच्चे को मास्क पहनाना है। घर में कोई बीमार होता है जिसको सर्दी खांसी बुखार है, तो बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि वो आदमी अपने आप को आइसोलेट करे, क्वारंटीन करे, मास्क पहने, ताकि कि उसके द्वारा बच्चों को निकल संक्रमण नहीं हो और बच्चों से बच्चों में संक्रमण नहीं हो। और तीसरा बात यह है कि हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सक्षम लोग हैं वो बच्चों में इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है फ्लू शॉट, वो दिलाना, उनको जो दिलाना चाहिए जो सक्षम है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ये निःशुल्क नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो उसकी बचाव कर सकता है। तो चाहे तो वो मार्केट में मिलता है, वो खरीद करके दिलवा लें। जो सक्षम है ये हैं, उनको मतलब कि चाहिए कि उसके बचाव के लिए मास्क पहने, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगह से बच्चों को बचाएं, मास्क अपने भी मतलब कि अगर बुखार उखार हो तो उसको बच्चों के पास, उसको बच्चों से बिल्कुल दूर रहें, अपने आप को मास्क पहना पहन के रहें। मैं समझता हूँ कि इस ऐसा करने से बहुत सारे बच्चे जो हैं संक्रमण से बचेंगे। एक और भी तरीका है कि चूंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो सरफेस से भी ट्रांसमिशन होता है, यानी हाथ से भी होता है,
तो जरूरी है कि बच्चों को भी कहा जाए, जो बड़े दो साल से ऊपर के बच्चे हैं, कि 5 से 6 बार कम से कम पानी से साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि हाथ में अगर संक्रमण जाता है, सरफेस से ट्रांसमिशन होता है, तो निश्चित रूप से वो नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, और उसके द्वारा मतलब कि उसको गले में जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइजीन सैनिटेशन, मास्क यूज, और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिससे कि बच्चों को बचाया जा सकता है। वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए मौसम में जो उतार चढ़ाव हुआ है, खासकर टेम्परेचर में, इस वजह से वायरल बुखार या ब्रोंकाइटिस के केस सामने आए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती हुए हैं SKMCH में, और न केवल मुजफ्फरपुर जिला के बल्कि SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में, मुजफ्फरपुर के पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट जितने डिस्ट्रिक्ट हैं और सारे जिलों के बच्चे, लगभग 150 से अधिक बच्चे अभी उनका इलाज चल रहा है। ज़्यादातर बच्चे SKMCH के पीको वार्ड में भर्ती हैं, जिसमें कि पीको वार्ड में 100 सीट है, लगभग बच्चे उतने ही भर्ती हैं। इसमें जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है, उसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग और SKMCH प्रशासन द्वारा इसमें लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव और टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जैसा कि चिकित्सकों ने बताया है, कि मौसमी प्रभाव भी हो सकता है और वायरल बुखार भी हो सकता है, इसकी चिंता करने की बात नहीं है। हालात पर पैनी नज़र रखी जा रही है, और ये अपील भी किया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से अभिभावकों को कि वो बच्चों पर केयर करें, और यदि ऐसा कुछ लक्षण या बुखार आता है तो उनको नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ज़रूर दिखाएँ, और साफ सफाई पर ध्यान दें, और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने का भी पूरी कोशिश करें। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कथैया थाना पर। यहाँ स्थानीय के हालात काफ़ी जर्जर हो गई है। इस विषय पर हम यहाँ कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ परेशानी इन लोगों को होती है। आप लोग यहाँ ड्यूटी कैसे करते हैं? तो बहुत जर्जर स्थिति में है भवन। हम लोग यहाँ पर ड्यूटी बहुत दिक्कत से करते हैं। यहाँ पर भवन का बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर सभी बड़ा बाबू छोटा बाबू सभी पुलिस पदाधिकारी लोग को मन में डर बनी रहती है, कब भवन गिर जाएगी, इसका कोई ठीक नहीं है, और सभी कोई बहुत विकट परिस्थिति में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि काफ़ी विकट परिस्थिति में यहाँ पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं। पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर कथैया थाने में ड्यूटी करते हैं। थाने की भवन के हालात काफ़ी जर्जर हो गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चूँकि हम कशिश न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, कुछ ठेकेदार हैं ऐसे हैं जो भवन का ठेका तो ले लिए, लेकिन 3 वर्षों से भवन आधा अधूरा निर्माण में पड़ा हुआ है। आइए यहाँ पे दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं, कुछ दिनों पहले उन्हें सांप भी शायद काट लिया था, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, फायर के कर्मी हैं, कि क्या कुछ परेशानी है और कैसे उनको सांप काटा था। यहाँ पे रहने की दिक्कत थी, तो यहाँ कुछ मतलब वो चट्टी वगैरह से घेर करके हम लोग रह रहे थे, जिसमें अचानक रात को सोए हुए थे बिस्तर पे, तो वहीं पता नहीं उस वक्त 4 बजे का समय था रात्रि में, और उस वक्त सांप आके काट लिया। हम उठे और ऐसे पैर को झाड़े तो गिरा तो देखे कि सांप है। उसके बाद में मैंने अपने साथी जवान को बोले कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर वहां से कहा किए कि साथ में कांटी सांप के डॉक्टर यहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ ट्रीटमेंट कराए। यहाँ हमेशा सांप निकलती है? बराबर 2-4 दिन के अंदर निकलता रहता है। किस विभाग में आप कार्यरत हैं? हम फायर से अग्निशाम सेवा मोतीपुर से कार्यरत है। तभी हम राजकिशोर सैनी से बात किए, जो मोतीपुर अग्निशामन में फायर ब्रिगेड के संचालक के तौर पर कार्यरत थे, जो गाड़ी वहाँ की गाड़ी चलाते हैं, इनका पोस्टिंग कथैया थाना में। आइए हम दूसरे जो फरियादी हैं यहाँ कथैया थाना पे, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वे लोग यहाँ आते हैं तो किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या उनकी आवेदन जो रखी जाती है सुरक्षित रह पाती है या नहीं। आप यहाँ आते हैं तो देखते हैं परेशानी वरसानी भी होता है क्या? जी बहुत परेशानी रहता है, ये बारिश वरिश होता है तो और जास्ती परेशानी हो जाता है। लोग थाने में जब आवेदन देने आते हैं, कभी बारिश हो जाता है, न रहने का जगह मिलता है, हम लोग बारिश में भीग जाते हैं। अंदर जाते हैं आवेदन देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार कब गिर जाएगा,
और बराबर दीवार पूरा बिल्डिंग जो है पानी से चूता है। हम लोग आवेदन भी देते हैं तो आवेदन भी पानी से भीग जाता है चू करके, कोई छिपने का जगह नहीं है, रहने का जगह भी नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन तो अपने लिए भी लोग झक रहा है कि हाँ क्या स्थिति है, क्या जर्जर बना हुआ है। यहाँ ठेकेदार भी बिल्डिंग बनाया है तो क्या कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। थाना का हमारा बेहतर वो स्थिति है कि मतलब कि थाने में सांप से भी बचना पड़ रहा है, बारिश से बचना पड़ रहा है, सब चीज़ से बचना पड़ रहा है। यहाँ क्या कुछ परेशानी झेलना पड़ता है? सारी परेशानी है। यहाँ थाना का मकान जो है जर्जर है, कब देह पर गिरेगा इसका कोई गारंटी नहीं। थाना हाजत भी असुरक्षित है, उसमें सांप घुसता है, ऊपर से टूटा हुआ है, कब कैदी निकल के भाग जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। बाहर बिना टॉर्च के नहीं निकल सकते, हमेशा सांप दिखाई देता है। तो लगातार कथैया थाने की इस तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ के हालात काफी जर्जर हो गई है। ये बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है, पुलिसकर्मी के साथ कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तथा अनिर्मित भवन का निर्माण को पूरा कराना चाहिए, क्योंकि जो ठेकेदार है भवन निर्माण का जो ठेका लिए हैं वे कान में तेल डालकर सो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करने पर मजबूर हो गए हैं। इस भवन की तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक कहानी नहीं हकीकत है। कथैया थाने की यह तस्वीर ठेकेदार की हकीकत बयां कर रही है कि जो ठेकेदार है भवन निर्माण का जो ठेका लिए है वे कितना सजग है और किस तेजी गति से उनका कामकाज हो रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। चूँकि पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं ठेकेदारी लिए हुए, लेकिन आज तक इस थाने के भवन की बिल्डिंग का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। यहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं उनका कहना है कि वे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, उनके साथ डर बना होता है कि कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है।